आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश भर के साथ आगरा की जामा मस्जिद में मंगलवार को ईद उल फितर की धूम है। एक महीने की इबादत के बाद आई मीठी ईद पर रौनक दिख रही है। अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है। खुशी के माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसकी भी पूरी तैयारी की गई थी। देश भर के साथ आगरा की जामा मस्जिद में मंगलवार को ईद उल फितर की धूम है। एक महीने की इबादत के बाद आई मीठी ईद पर रौनक दिख रही है। अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है। खुशी के माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। सबसे पहले आज मैं सभी शहरवासियों को ईद की हार्दिक बधाइयां देता हूं और पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ईद का सहवास सकुशल निकालने के लिए। और अभी तक जैसा हमने देखा है, शहर में सब कुछ सकुशल चल रहा है और आगे भी सकुशल चलेगा। इसके लिए सभी का सहयोग रहा है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यूपी समेत आगरा में पुलिस व्यवस्था भी पुख्ता है। बता दें कि सोमवार शाम को शब्बाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद तय हुआ कि मंगलवार को ईद मनाई जाएगी। क्षेत्रवासियों को और जिलेवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज शाही जामा मस्जिद में ईद बड़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे, हम लोगों ने साकुशल तरीके से ईद की नमाज को अदा करवाया है और इसके लिए क्षेत्रवासियों को पुनः शुक्रिया और धन्यवाद। जामा मस्जिद कमेटी ने सभी लोगों से अपील की थी कि कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े। जामा मस्जिद समेत क्षेत्र में कई मस्जिदें हैं जहां अंदर ही नमाज अदा की जाए। इसके चलते जामा मस्जिद के अलावा आगरा की प्रमुख मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने पहुंचे। उन्होंने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।